वीडियो आ रहा है बेटा सबको? यस यस सर। सर। सो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चंस कर रहे थे ना मैंने। अरे यस इट सर। इनफाइनाइट माइनस वन इक्वल्स टू इनफाइनाइट। क्या यस बेटा? सर। इनफाइनाइट माइनस वन इक्वल्स टू इनफाइनाइट और वो दो इनफाइनाइट सेम है। ओके ओके ठीक। तो कल कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए या कुछ क्वेश्चंस कर रहा था? बीच में छोड़ दिया मैंने। आप समझाए थे कि इनफाइनाइट माइनस वन इक्वल्स टू इनफाइनाइट दोनों साइड का इनफाइनाइट सेम है, उसके ठीक बाद कोई क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है। आज क्या करेंगे, थोड़ा सा वो क्वेश्चंस मैं रोकता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आपका सिलेबस में नहीं है। ओके, जो आपको नेक्स्ट 10th क्लास 11th क्लास में आते हैं। ओके okay? यस सर। अभी आपका एग्जाम्स कब से शुरू हो रहा है बेटा? अभी तो स्पेसिफिक डेट नहीं पता, बट सितंबर में ही हो जाएगा शायद। ठीक है, तो आपको कुछ सर मेंटल, आईएएस में हो गया एग्जाम। ऐसा है क्या? ठीक है बेटा। तो आज हम देखने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। कभी सुना है क्या? यस सर। यस सर प्रवीण सर ने सुना है। बताया था। ठीक, सो लेट अस लुक एट द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बेसिक चीज़ें मैं कुछ समझाता हूँ आपको, जो बाद में आपको फिजिक्स में भी यूज़ होगा, मैथ्स में भी यूज़ होगा। ओके, यस सर। सो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। क्या है? ट्रिग्नोस एंड मेट्रोस। ट्रिग्नोस का मतलब है ट्रायंगल, है सिंपली। क्या है? ट्रायंगल। मेट्रोस का मतलब मेजरमेंट। सो एक ट्रायंगल को मेजर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं। ओके क्लियर? अब आपको डाउट आ सकता है ट्रायंगल का मेजरमेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरिंग ए ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक ए ट्रायंगल, सो व्हाट इज ए ट्रायंगल मेड अप ऑफ? यू हैव ए ट्रायंगल ए बी सी। सर लाइन सेगमेंट्स, सर ट्रायंगल थ्री इज लाइन मेड अप ऑफ सेगमेंट्स एंड थ्री थ्री लाइन सेगमेंट्स। एंगल्स। यस सर। यस सर। सो देर आर थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यस सर। यस सर। यूजली अगर यस ट्रायंगल को सर। कैपिटल यस सर। ए बी सी मान लिया, तो इफ यू टेक द ट्रायंगल एज कैपिटल ए बी सी, वर्टेक्स ए का जो ऑपोजिट साइड है वो हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यस सर। वर्टेक्स बी का जो ऑपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स सी का जो ऑपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट आर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर दी साइड लेंथ्स। ओके, समझ रहे? क्लियर यस सर। यस सर। है? सो एक ट्रायंगल का मेजरमेंट का मतलब क्या है? इफ यू टेक ए ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैज डिफरेंट मेजरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, साइड का लेंथ जो है वो हम मेजर कर सकते हैं ना सर, यूजिंग डिफरेंट यस इंस्ट्रूमेंट्स। देर आर सर। डिफरेंट यस थिंग्स दैट यू सर। कैन मेजर। सो इफ यू टेक ए स्केल, यू कैन मेजर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल सर। यस सर। सो सर। इन टर्म्स ऑफ साइड्स देर आर थ्री यस मेजरमेंट्स। सर। है सर? यस सर। थ्री मेजरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एंगल्स है, सो एंगल्स भी आप प्रोट्रैक्टर यूज करके मेजर कर सकते हैं ना सर। यस सर। सो एंगल्स कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मेजर मेजर। ओके, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। ओके, फॉर यस सर। एग्जाम्पल, यस सर। ट्रायंगल का मीडियंस ड्रॉ किया। मीडियंस का मतलब पता है आपको? यस सर। मीडियन का मतलब क्या है? एक वर्टेक्स से, ठीक है, इफ यू टेक द वर्टेक्स ए एंड इफ यू टेक द ऑपोजिट साइड ऑफ ए विच इज बी सी, बी सी का मिड पॉइंट होता है ना, सर रूल लाइन का बाइसेक्टर। बी सी का जो मिड पॉइंट होता है ना, हाँ सर। यस द सर। लाइन सेगमेंट यस सर। ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, बी सी। यस सर। दिस इज कॉल्ड ए मीडियन।
सिमिलरली बी से एक मीडियन होगा, यस सर? यस सर। यस सर। सी से एक मीडियन होगा, यस सर? यस सर। अभी इस मीडियन से मेजर कर सकता हूं ना। यस सर। सो एज़ आई सेड देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड इन अ ट्रायंगल, ओके? यस सर। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद, ठीक है, क्या ट्रिग्नोमेट्री में हम करते हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल का कुछ मेजरमेंट्स आपको मिल जाए, फॉर एग्जांपल आपको ए मिल जाए, बी मिल जाए एंड एंगल सी मिल जाए। इफ यू नो स्मॉल ए, इफ यू नो स्मॉल बी एंड इफ यू नो एंगल सी, द क्वेश्चन इज कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल सी, निकाल सकते हैं या सी भी मुझे देना पड़ेगा? सर पेरिमीटर देना? नहीं नहीं कुछ नहीं दिया मैंने, सिर्फ ए दिया, बी दिया, एंगल सी दिया। आप सी निकाल सकते हैं क्या कुछ तरीका यूज करके? सर आप प्लीज क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, मैं अभी ज्वाइन हुआ। क्या है बेटा? सर आप प्लीज क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं रिपीट। हाँ, क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूँ। देखिए मान लीजिए इन ए ट्रायंगल आई नो स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड एंगल सी, ओके? ओके सर। कैन स्मॉल सी बी फाउंड आउट? स्मॉल सी का मतलब क्या है? स्मॉल सी का मतलब साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन एंगल ए बी मेजर, कैन एंगल ए बी फाउंड आउट? मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर एस और नो, आप कर सकते हैं क्या नहीं? अगर कर सकते हैं तो रफली एक प्रोसेस, एक एल्गोरिथम चाहिए मुझे, मतलब क्या करने से वो हो जाएगा। एनी आंसर्स? देखिए मैं ऐसा सोचता हूँ, देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी पता है आपको, दो साइड पता है, वो दोनों साइड्स के बीच में एंगल पता है, ये सर? यस सर। सो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या आप लोग? यस सर। यस सर। ट्रायंगल? यस सर। यस सर। ये तो आपका सिलेबस में है ना, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन, टू साइड्स आर गिवन। यस सर। आप कंस्ट्रक्शंस यूज करके यू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, एक बार ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होने के बाद स्केल लेके सी निकाल सकते हैं? यस सर। प्रोट्रैक्टर लेके एंगल ए निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। सो थियोरेटिकली मान लीजिए ट्रायंगल का एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का वैल्यू चाहिए आपको, यू कैन यूज अदर मेजरमेंट्स टू फाइंड दिस, है सर? यस सर। मतलब ऐसी जरूरत नहीं कि सी चाहिए तो सी आपको देना ही पड़ेगा मुझे, बाकी मेजरमेंट्स दे रहा हूं मैं, उसको यूज करके आप कुछ और मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं, सर? यस सर। दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है एक ट्रायंगल को मेजर करना, आपको कुछ मेजरमेंट्स मिल जाएगा, उसको यूज करके बाकी मेजरमेंट्स आप अगर फाइंड कर रहे देन यू आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके? यस सर। यस सर। सो आपको पता है ट्रायंगल्स अलग अलग तरीके का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल अगर साइड्स के तरफ से देखा तो, अगर एंगल्स की तरफ से देखा तो राइट ट्रायंगल सर, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। आगे जा रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, इफ यू लुक एट द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू साइड्स, यू हैव इक्विलेटरल, isosceles, so no, and yes sir, scalen. In terms of angles, you have acute, right angled, right, obtuse and right, obtuse, and right. Okay. Yes sir. देखिए सबसे easy है, सबसे easy वाला triangle है equilateral triangle, है सर? Yeah, yes sir, yes sir. सब कुछ same है ना equilateral triangle में, sides are same, angles are same, सब कुछ same है, उसको मेजर करना बहुत इजी होता है। मेजर करने का मतलब है मान लीजिए आपको एक साइड पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एंगल सारा पता है ना आपको? यस सर, 60 डिग्री। देयर इज नो नीड टू फाइंड एनीथिंग, एवरीथिंग इज नोन, है सर? यस यस सर। मान लीजिए आप, मान लीजिए मीडियंस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप मीडियंस निकाल सकते हैं, सर?
पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आपको? यस सर। यस सर। यस सर। सो इफ यू हैव एन इक्वल ट्रायंगल, इफ यू हैव एन इक्वल ट्रायंगल, ओके? हाँ, यस सर। यस सर। अगर मान लीजिए मीडियन चाहिए आपको, क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते सर, हैं ये, ये, ये सर, होगा, ये a by 2 yes, होगा, ये निकाल सकते हैं? Yes, yes, so, equal triangle is a very simple case, okay? Scale in triangle yes, जो है सबसे मुश्किल वाला केस है, सर? कुछ मेजर इक्वल नहीं होता। प्रीवियस जो पेज में मैं ये बोला हूँ, अगर ए एंड बी पता है तो एंगल सी पता है तो आप साइड सी निकाल सकते हैं, बट आई हैव टोल्ड यू how to do this using the concept of construction, is it not? Yes sir. But हर बार constructions पे depend नहीं करेंगे. Constructions is a time taking process, right? Yes sir. Normally what I try to do is I try to derive formulas. Analytically मैं derive करने के लिए कोशिश करूँगा. समझ रहे? Yes sir. मतलब वो derivations करना इतना easy नहीं होगा scale in triangle में, sir no? हम क्या करते हैं, वी टेक ए वेरी सिंपल ट्रायंगल, नॉट वेरी सिंपल, इक्वलिटी इज वेरी वेरी सिंपल, वो नहीं करेंगे, वी टेक ए ट्रायंगल विच इज इन बिटवीन द डिफिकल्टी लेवल्स, ओके? तो हम पहला राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, ओके? यस सर। वी आर गोइंग टू लुक एट द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ओके? यस सर। सो जो भी हम अभी डिराइव कर रहे हैं ऑल ऑफ देम आर विथ रिगार्ड टू राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है? इसको हम ये कॉन्सेप्ट्स को बाकी ट्रायंगल्स में कैसे अप्लाई करने वो बाद में देखेंगे, ओके? यस सर। सो लेट अस look at the concept of trigonometry of right triangles, okay? Yes sir. Yes sir. Trigonometry of right triangles, okay? So trigonometry of right triangles dekhne se pehle aapko similarity ka concept thoda sa pata hona chahiye. Kya hai similarity? आपको कॉन्ग्रेंसी तो पता है ना, व्हेन आर टू फिगर्स कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर का मतलब है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, यस सर, शेप भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, साइज भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, सर, यस सर, ओके? यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी का मतलब है सेम शेप एंड सेम साइज, सर, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर सकता हूँ if you have two congruent figures, yes or no? Similar yes, figures का मतलब है same shape, both of you look similar, इसका मतलब क्या है? दोनों एक जैसा दिख रहा है, yes or no? Yes sir. Your father, you look similar to your father, इसका मतलब क्या है? आप दोनों एक जैसा दिख रहे हैं, yes sir. So what are we talking about, size or are we talking about features? Sir, features. Related to features, okay? So similar figures का मतलब है if two figures are similar, then they have the same shape, okay? मान लीजिए for example, एक circle है, छोटा circle है, बड़ा circle है. Are these two similar? No sir. All circles are similar. Yes sir. Yes sir. Yes sir. All are similar. एक छोटा square है, एक बड़ा square है. Yes sir, similar. All yes sir, similar. Yes sir. एक छोटा रेक्टेंगल है, एक बड़ा रेक्टेंगल है. Sir, similar. Sir, similar. हर बार नहीं होगा. Similar. Not every two rectangles are similar to each other, sir. Yes sir. Similar का मतलब है. देखिए, similar का मतलब आप ऐसा सोचिए. एक ट्रायंगल को आप मैग्नीफाई किया तो मैग्नीफिकेशन और गेटिंग इट डाउन स्केल. एक फिगर को मैग्नीफाई करके दूसरा फिगर पे ओवरलैप करा सकता है, देन इट इज देन द टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर टू ईच अदर, ओके? यस सर. मान लीजिए एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 1 एंड और 2 एंड 3 है, ओके? एक रेक्टेंगल का एक रेक्टेंगल है जिसका
length is 3, breadth is 1. Can these two be overlapped on each other by any sort of magnification? No, sir. नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप देखिए, if you have to understand a very important and nice property of similar figures. अगर मान लीजिए इस rectangle को आप magnify किया तो, if you magnify this, length जो है जितना बार magnify होगा, breadth भी उतने बार ही magnify होगा ना ऐसा? Yes, yes sir. तो फिर जो ऊपर में मतलब three है उसका length वो भी magnify हो जाएगा. आप इस figure को two times magnify किया. लेंथ कितना होगा? 6 हो जाएगा. सर ब्रेथ कितना होगा? 2 होगा. चलो 2 और मैग्नीफाई कर लीजिए. तो एज मच एज यू मैग्नीफाई और डिमिनिश दिस, ये साइड्स का जो रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा. ऐसा तो यस सर सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर फिगर्स. इन टू सिमिलर फिगर्स, अगर मान लीजिए एक फिगर दूसरा फिगर सिमिलर है, then the ratio of corresponding sides will always be same. Yes or no? छोटा figure में 1/3, बड़ा figure में 2/6, same है ना? Yes sir. और बड़ा किया तो हो सकता है ये 3/9 हो सकता है, sir no? Yes sir. So in similar figures, what is one of the property that always works? क्या है? Ratio of corresponding, क्या है? Ratio of corresponding sides is equal. Okay. Equal. Clear है? Yes sir. Yes sir. So अगर आपके पास दो figure है, वो similar है या नहीं check करना है आपको. So what is the mathematical way of checking? एक है देख के check करना है, sir. Yes sir. But our eyes are not perfect, sir. Yes, sir. ठीक है, जो हर बार जो हमको लगता है वो सच नहीं होता है ना. यू नीड टू हैव सम मैथमेटिकल वे टू प्रूव थिंग्स, है सर ना? यस सर. मान लीजिए आपके पास दो फिगर है, सो इफ यू हैव टू चेक वेदर द फिगर्स आर सिमिलर और नॉट, वन ऑफ द मैथमेटिकल वे इज यू टेक द लेंथ ऑफ साइड्स. फर्स्ट फिगर का साइड्स का लेंथ लीजिए, सेकेंड फिगर में साइड्स का लेंथ ले लीजिए. अगर रेशियो इक्वल हुआ तो शेप्स आर सिमिलर, बट देयर इज अ कंडीशन. सिर्फ साइड्स का रेशियो सेम है तो सिमिलर हो जाएगा. ठीक है, सिमिलर होना है तो साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए. यस सर. बट दिस इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, और भी कुछ होना चाहिए. फॉर एग्जांपल देखिए, एक रेक्टेंगल है 1/3, ओके. Yes, sir. दूसरा रेक्टेंगल है 2/6, ओके. रेशियो ऑफ साइड्स वाइज दीज टू लुक सिमिलर, है सर? यस सर. बट मान लीजिए एक पैरलोग्राम ले लीजिए, एक पैरलोग्राम ले लीजिए जिसका साइड्स भी 2/6 है. ऐसा हो सकता है ना? आप ये और ये देखा तो द साइड्स रेशियो इज सेम, है सर? नो. यस सर. रेशियो साइड सेम है, बट ये दोनों सिमिलर है क्या? नो सर. नहीं, ये एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम ऐसा नहीं रखते, है सर? नो सर. सो आप अब बोलिए, इज देयर एनी मोर कंडीशंस दैट सिमिलर फिगर्स हैव टू सैटिस्फाई? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर फिगर्स. फर्स्ट इज रेशियो ऑफ साइड्स शुड बी इक्वल, सेकेंड इज एंगल्स शुड बी इक्वल. सेम, ओके. एंगल्स मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे एंगल सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. समझ रहे? यस सर. करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होना चाहिए, सर? यस सर. दीज आर टू प्रॉपर्टीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सो दैट द फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ओके
सो सिमिलर है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो द फिगर्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर. ओके क्लियर? यस सर. सो सिमिलरिटी का मतलब समझ में आया? यस सर. व्हाट आर सर स्क्वायर में नहीं होगा क्या बेटा? स्क्वायर और नंबर्स के बीच में. हाँ देखिए, आप देखिए, इफ यू हैव ए स्क्वायर 1111 रॉम्बस है, मान लीजिए 1111, ऑब्वियसली साइड्स का रेशियोस तो सेम है ना? यस सर. बट दीस टू आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर. क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि एंगल सेम. सर एंगल सेम नहीं है. सर एंगल्स एंगल सेम नहीं है. मान लीजिए एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, दोनों का एंगल सेम है सर? यस सर. बट साइड्स का रेशियो सेम नहीं. करेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल. सो दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर. ओके यस सर. सो इफ टू फिगर्स आर टू बी सिमिलर, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए या कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हो जाएगा? सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. यहां तक समझ में तो आ गया आपको? क्लियर? यस सर. यस सर. आगे जाएंगे? यस सर. यस सर. Now we are going to discuss similarity in triangles. Similarity in triangles. Okay. Triangles में एक अच्छा चीज है. देखिए triangles में ऐसा होता है, देखिए if you have a triangle ABC and triangle DEF, okay. ट्रायंगल्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको मैं अभी प्रूफ नहीं करूंगा. ये प्रूफ जो है आपको हायर क्लासेस में आएगा. प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. प्रूफ नाइन्थ क्लास में आएगा आपको. क्लियर? यस सर. यस सर. सो द नाइस थिंग अबाउट ट्रायंगल्स इज समथिंग लाइक दिस. सिमिलैरिटी के लिए दो कंडीशन है ना? यस सर. फर्स्ट कंडीशन इज यस सर रेशियो साइड्स इक्वल. सेकंड इज एंगल्स राइट. ट्रायंगल्स में द नाइस थिंग इज इफ द रेशियो ऑफ साइड्स इज सेम द एंगल्स विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल. अगर एंगल सेम है तो रेशियो ऑफ साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. यस सर. यस सर. दीज टू कंडीशंस आर इक्विवेलेंट इन ट्रायंगल्स. बाकी फिगर्स में नहीं है, ध्यान दे दीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी देखे क्वाड्रिलेटरल्स लिया तो आपको फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना सर? यस सर. अलग-अलग सेटिस्फाई होना चाहिए सर? यस सर. ऑल हायर फिगर्स पेंटागन्स हेक्सागन्स जो भी है अगर सिमिलर होना है तो साइड्स भी रेशियोस इक्वल होना चाहिए, एंगल्स भी सेम होना चाहिए एग्जैक्टली. बट ट्रायंगल्स का सिंप्लीफाइंग नेचर ऐसा है कि अगर एंगल्स इक्वल है तो मान लीजिए एंगल्स आर 70 डिग्रीज 50 डिग्रीज एंड कितना बचेगा 60 डिग्रीज. ओके इसका भी मान लीजिए सेम है एंगल्स. एंगल्स तो इक्वल है दोनों का? यस सर. यस सर. यू डोंट नीड टू चेक द रेशियो ऑफ साइड्स. रेशियो ऑफ साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. यस सर. दिस इज ए थ्योरम दैट कैन बी प्रूव्ड. ओके सर इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल का ही होता है. नहीं नहीं नहीं, कॉन्ग्रुएंसी सारा फिगर्स का होता है. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जैसा ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड इंस्टेड ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स ऑल द साइड्स आर इक्वल कर लिया तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. यस सर. यस सर. सिमिलैरिटी में हम रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं. रेशियो का मतलब समथिंग लाइक मैग्निफिकेशन है ना? यस सर. 1 अगर 3 हुआ तो. ओके सर, समझ में आ गया. क्लियर है? यस सर. यस. सो एक बार सब लोग एक बार बोलिए, समझ में आया तो आपको ट्रायंगल्स में व्हाट इज द सिंपलीफाइंग थिंग इन ट्रायंगल्स? ये दोनों कंडीशंस जो है बोथ दिस कंडीशंस आर इक्वल एंड यू डोंट नीड टू प्रूव देम सेपरेटली. अगर एंगल्स इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा. अगर साइड्स का रेशियो सेम है तो ऑटोमेटिकली एंगल्स इक्वल हो जाएगा. क्लियर है? यस सर. यस सर. यहां तक समझ में आया? यस सर. यस सर. एंड ये भी मैं बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ जो है आपको नाइन्थ टेंथ क्लासेस में आ जाएगा. ओके
Yes, sir. So now let us go sir. To let us go to our right angle triangles. Okay. Yes. Hai? Right triangles. Okay. मान लीजिए आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है कोई भी. ओके राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री है ना सर. यस सर. ए बी सी डी ई एफ. ओके यू हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स. ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में व्हेन आई से देयर राइट एंगल ट्राइंगल्स एक एंगल तो 90 हो गया है सर ना. यस सर. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ठीक है सपोज This angle is same as this angle. Angle B, angle E से बराबर. ये दोनों triangle similar हो जाएगा या नहीं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. क्यों? क्योंकि अगर दो angles equal है तो तीसरा angle automatically equal हो जाएगा. Yes sir. Yes sir. Yes sir. हाँ कोई कुछ question पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? सर हम लोग को तो कॉन्ग्रुएंसी के टाइम टोटल तीन इक्वल दिखाना पड़ता है तब ना कॉन्ग्रुएंट होता है. तीन इक्वल दिखाना पड़ता है. यस यस सर. हाँ फिर सर दो एंगल से कैसे बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉमन है. नहीं नहीं आपको ये तो पता है ना तीनों एंगल्स का सम कितना होगा. अगर दो एंगल्स इक्वल है मान लीजिए ये थीटा है ये भी थीटा है ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा. यस सर. ये भी एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना सर. यस सर. ये आप साइड्स में नहीं कर सकते हैं. अगर दो साइड्स इक्वल है तो तीसरा साइड इक्वल होने का जरूरत नहीं है सर. यस सर. यस बट दो एंगल्स इक्वल है तो आपको तीसरा एंगल इक्वल होना चाहिए सर. यस सर. यस सर. इसलिए ए एस से काम करेगा. ए एस से कॉन्ग्रुएंसी काम करते हैं. यस सर. ए एस भी काम करेगा. दिस आल्सो वर्क्स दिस आल्सो वर्क्स. बट एस एस काम करते हैं एस एस से विल नॉट वर्क. क्योंकि ए एस का मतलब है मान लीजिए दो एंगल्स इक्वल है तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना सर. यस सर. यस सर. तो है ए एस ए बन गया. Yes sir. Yes sir. Yes sir. So यहाँ तक clear है? Sir. Yes, yes sir. बोलिए बेटा. Sir ये A S और A A S का difference और एक बार बताइएगा. नहीं नहीं मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आपको दो triangles congruent prove करना है. Okay? Yes sir. मान लीजिए ये वाला angle equal है. ये वाला angle equal है. Okay? Yes sir. This side is same as this side. दोनों कॉन्ग्रेंट है क्या नहीं? यस सर. कौन सा प्रॉपर्टी? यस सर. यस सर. कॉन्ग्रेंट सर. एंगल साइड एंगल. यस सर. यस सर. नेक्स्ट एक और केस ले लीजिए. यू हैव अ ट्रायंगल. यू हैव अ ट्रायंगल. दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल. दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल. दिस साइड इज सेम एज दिस साइड. अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है क्या नहीं? यस सर. यस सर. कैसे? यस सर. सर क्या थर्ड एंगल इज ऑटोमेटिकली इक्वल है सर. यस सर. तो ए एस ए बन गया ना राइट. यस सर. बट द सेम थिंग विल नॉट वर्क फॉर साइड्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू ट्राइंगल्स side equal, angles equal. Congruent है क्या नहीं? No sir. Yes sir. Yes. 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 A. Yes. S. A. S. Sir ये तो congruent है. Congruent है, ऐसा ना? Sir तो congruent yes, है. Yes sir. मान लीजिए this side is same as this side, this angle, this side is same as this side, this angle is same as this angle. काम नहीं करेगा क्योंकि दिस इज एस एस ए. क्योंकि दो साइड इक्वल है तो तीसरा साइड इक्वल बोल सकता हूँ मैं. नहीं ना. नो सर. नो सर. सो एस एस ए विल नॉट वर्क बट ए ए एस वर्क्स. क्लियर है? यस यस सर. यस ओके ना.
नेक्स्ट पेज में जाओ. यस सर. अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी एंड यू हैव अनदर राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ. मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, एज्यूम दैट एंगल बी इज सेम एज एंगल ई. सो राइट एंगल ट्रायंगल्स में फायदा यह है कि कोई भी एक एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स का वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर. यस सर. क्योंकि तीसरा एंगल जो है ऑटोमेटिकली इक्वल है. क्लियर है? यस सर. दीस टू ट्रायंगल्स, अगर दोनों एंगल्स थीटा है, दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर सर. यस सर. इसका मतलब ये है कि ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, ये दोनों साइड्स का रेशियो जो है, ये दोनों साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए ना सर. अगर मान लीजिए एक और ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा. यस सर. ऐसा मैं जितना भी ट्रायंगल्स ड्रॉ करूं, जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल्स ड्रॉ करूं जिसमें एंगल थीटा है, ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. यस सर. इसका मतलब है ये सारा ट्रायंगल्स में रेशियो ऑफ साइड सेम होना चाहिए ना सर. यस सर. मतलब ऐसा जरूरत नहीं कि यही दो साइड्स है, कोई भी दो साइड्स का करेस्पॉन्डिंग रेशियोस तो सेम होना चाहिए सर. यस सर. नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ स्टेटमेंट व्हिच इज द फंडामेंटल ऑफ राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री. स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ साइड्स in a right triangle depends only on one non-right angle. ये समझ में आ रहे? Yes, sir. समझ में आ रहे? Yes, sir. अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक right angle triangle है जिसमें एक angle 30 degrees है. I am asking each of you, assume that I am asking each of you to draw a right angle triangle whose one angle is 30 degrees, okay? Yes, sir. Side ka length kitna hona chahiye? Yes, sir. Main kuch specify nahi kar raha hu. Okay? Side kitna bhi ho sakta hai. I want all of you to draw a right angle triangle with one angle as 30 degrees, okay? Yes, sir. Yes, sir. आप सबका जो भी ट्रायंगल्स है वो सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा? यस सर. नहीं होगा. सिमिलर होगा. क्योंकि मैं साइड का लेंथ स्पेसिफाई नहीं किया हूँ. अपने आपके हिसाब से कोई भी साइड ले सकते हैं आप, ऐसा ना? सबका जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, बट ऑल योर ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर, ऐसा ना? यस सर. Clear? Now, मान लीजिए, let us take a thought experiment. मतलब आप actually physically नहीं कर रहे, but आप mind में imagine करिए कि जो बोल रहा आप कर रहे, okay? Yes, sir. So all of us are doing a thought experiment. Okay? So assume that you are drawing a right angle triangle with one side as 30 degrees. मान लीजिए आपका mind में draw कर लीजिए, okay? Yes, sir. Mind में imagine कर पा रहे सब लोग? Yes, sir. आप सबका mind में एक right angle triangle है, and आप सबका mind में जो triangles है, all the triangles are similar to each other, sir. Yes, sir. एक दूसरे के mind में size जितना है वो दूसरे को पता नहीं है, sir. Now, देखिए, I'll tell you some notation. If you are looking at this angle, मान लीजिए आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? एंगल बी इज 30 डिग्रीज, ओके? Now, in every right angle triangle, you have a hypotenuse, sir? Yes, sir. So, right angle का opposite जो है वो hypotenuse, इसको H बोलता हूँ, ओके? कर सकता हूँ? Yes, sir. Let me call it. Yes, sir. Okay. Now, out of the remaining two sides, 30 degrees का एक ऑपोजिट साइड होगा
30 डिग्री का एक एडजेसेंट साइड होगा सर, एडजेसेंट साइड होगा। यस सर। इसको मैं ऑपोजिट साइड बोल सकता हूँ? यस सर। अगर एंगल बी को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एंगल बी विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी, सी ए इज द ऑपोजिट साइड है सर ना? यस सर। एंड विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी, ए बी इज द एडजेसेंट साइड, राइट? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखा तो हाइपोटेन्यूज भी 30 डिग्री का एडजेसेंट है, ऐसा ना? यस सर। यस सर। बट हाइपोटेन्यूज को हम अलग कर लिया है सर, we are just looking yes, at the sir. Right angled sides, okay? Yes sir. So if you look at angle C, मान लीजिए आप angle C के बारे में सोच रहे हैं, okay? Angle yes. C के हिसाब से hypotenuse is h, वो तो fixed है. Yes sir. With respect yes, sir. To C, AB will be the opposite side, is or no? Yes sir. AC yes, will be the adjacent side. So opposite side, adjacent side depends on the angle that we are observing, okay? एडजेसेंट साइड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय बी, ओके? बेस, बेस, सो बेस, शॉर्टकट फॉर बेस, ओके? एंड अगेन जरूरत ये नहीं कि बेस का मतलब नीचे होना चाहिए, यूजुअली इंग्लिश में बेस का मतलब क्या होता है, जो नीचे होता है ना? यस सर। बट यस सर, ट्रिग्नोमेट्री बेस इज नॉट समथिंग व्हिच इज हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल इस बेस मतलब एंगल का एडजेसेंट साइड, इस ट्रायंगल में नीचे वाला पी होगा, बगल वाला बी होगा, सर? यस सर। यस सर। समझ आ रहे? यस सर। यस सर। पी का मतलब yes, है ऑपोजिट साइड, बी का मतलब एडजेसेंट साइड, क्लियर? यस सर। जो है एच हाइपोटेन्यूज, ओके? यस ओके। यस आप देखिए, आपका सारा मतलब आपको सबके माइंड्स में एक राइट एंगल ट्रायंगल तो है, यू हैव यस सर। मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए पी का कुछ लेंथ होगा, ऐसा लो? यस सर। यस सर। का कुछ लेंथ होगा, ऐसा लो? Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए ये दोनों को डिवाइड कर लीजिए, सर sin थीटा आ जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है? ये दोनों को डिवाइड कर लीजिए, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है? अभी आप सबका माइंड्स में जो ट्रायंगल्स है, दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज, राइट? यस सर। बट ये क्वेश्चन है, आपका सारा ट्रायंगल्स में पी बाय एच करने के बाद जो नंबर आएगा, वो नंबर सबका सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सर सेम आएगा। सेम आएगा। सेम आएगा। व्हाई आर यू गेटिंग द सेम नंबर? बिकॉज़ ऑल योर ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, है सर ना? यस सर। साइड मतलब ट्रायंगल सिमिलर है तो करेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो से सेम होना चाहिए ना सर? यस सर। यस सर। सो आपका सारा ट्रायंगल्स का पी बाय एच जो है वो सेम आएगा, सर? आपको पता है एक ट्रायंगल में यू हैव थ्री साइड्स, राइट? यस सर। थ्री साइड्स को यूज करके आप कितना रेशियोस लिख सकते हैं सर? सिक्स। थ्री सर सिक्स, बट आप सिक्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाऊंगा, देखिए P by H, B by H, P by B, okay? Similarly, H by H P, by P, B, H by H B, by B, B by P, B by P. Yes, sir. These are the six ratios that you can write for two for a right angle triangle, okay? Clear again? Yes, yes sir. Yes, sir. आप ये बात बोलिए, अपना जो माइंड में जो ट्रायंगल है, मान लीजिए आप उस ट्रायंगल का ये छह रेशियोस आप निकाल दिया, नंबर्स कुछ ना कुछ आएगा ना, है सर ना? यस सर। यस सर। तो आप सबका नंबर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सर सेम आएगा। सेम आएगा। सेम आएगा। इंडिविजुअली पी वैल्यू, एच वैल्यू, बी वैल्यू, इंडिविजुअली दीज थ्री वैल्यूज माइट बी डिफरेंट, बट व्हेन यू टेक द रेशियो, जब आप रेशियो लेते हैं सारा रेशियो सेम आएगा, है सर ना? Yes sir. Yes sir.
why? Because all your triangles have one angle as 30 degrees, right? Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप एंगल को 30 से 40 बना दीजिए, ओके? अब ये सारे नंबर्स अभी भी सेम रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? सर अलग अलग थर्टी डिग्री अलग अलग हो जाएगा ना, ऐसा नंबर कुछ और नंबर्स आएगा, ऐसा ना? Yes, sir. आप सबका नंबर सेम आएगा, आप सबका नंबर सेम आएगा अभी भी, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट 40 डिग्रीज ट्रायंगल, राइट? यस सर, यस सर. 30 डिग्रीज में जो नंबर्स आएगा, 40 डिग्रीज में जो नंबर्स आएगा वो डिफरेंट होगा, ऐसा ना? यस सर. 50 डिग्रीज में जो नंबर्स आएगा वो डिफरेंट होगा, ऐसा ना? यस सर. 60 में जो नंबर्स आएगा वो और डिफरेंट होगा, यस सर. यस सर. 70 डिग्रीज में जो नंबर्स आएगा और डिफरेंट होगा, ऐसा ना? क्या है बेटा? सर अब ये पार्ट each of the ratio depend on theta. ये मैं बोल रहा हूँ, ये ratios जो है, देखिए p का मतलब वो number है, length of p, h का मतलब length of h, b का मतलब length of b, okay? As you change the angle, the numbers change हो जाएगा ना, sir? Okay sir. Yes sir. So as you change the angle, similarity भी निकल जाएगा ना, sir? 30 degrees yes, वाला triangle, 40 degrees वाला triangle तो similar नहीं है. इसका मतलब है द रेशियोस डिपेंड ऑन थीटा, यस सर. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन. क्या बोलते हैं? फंक्शन. फंक्शन. If some value depends on another value, then we say that one value is a function of other value. Usage sound? Okay, sir. Usage sound? Yes, sir. English में ऐसा usage करते हैं. If one value depends on another value, then we say that one value is a function of another value. आपका distance covered है. आप मान लीजिए bike में जा रहे हैं. जो distance covered है, वो time पे depend करते हैं, सर ना? सो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस कवर्ड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. बोलिए, द डिस्टेंस कवर्ड इज फंक्शन ऑफ टाइम. द डिस्टेंस कवर्ड इज फंक्शन ऑफ टाइम. इज फंक्शन ऑफ टाइम. एंड डिस्टेंस कवर्ड आल्सो डिपेंड्स ऑन स्पीड, यस और नो? यस सर. सो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको कैसे बोलते हैं? द डिस्टेंस कवर्ड इज आपको जो मार्क्स आएगा एग्जाम्स में, दैट डिपेंड्स ऑन द वर्क दैट यू डू, यस और नो? यस सर. मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे बोलते हैं इसको? द मार्क्स यू गेट इज ए फंक्शन ऑफ द वर्क डन बाय यू, यस और नो? यस सर. मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेंड डिपेंड्स ऑन योर लक, यस और नो? कभी कभी होता है वैसा भी. सो मार्क्स अब फंक्शन ऑफ लक ऑन दैट डे, लक. सर, द ब्राइटनेस ऑफ द रूम, द ब्राइटनेस ऑफ द रूम डिपेंड्स ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, सर. यस सर. यस सर. ब्राइटनेस ऑफ द रूम इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फंक्शन ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द लाइट. ब्राइटनेस ऑफ लाइट. और कुछ एग्जांपल अपने से बोल सकते हैं? The taste you get in a curry depends on the salt that you put in the curry, yes sir. Yes sir. Yes sir. So the taste of the curry is a function of the salt. Amount of salt we add. Or something the else. Amount of salt we add. और कुछ बोल सकते हैं? Any other examples? Sir, the speed of fan depends on the quality of motor. बोल सकते हैं? The speed of fan depends on the, ठीक है, नंबर ऑन द रेगुलेटर, ऐसा नो?
नंबर है उस पर डिपेंड करते हैं ना सर. यस सर. फैन इज अ फंक्शन ऑफ सर. वेरी गुड. यस सर. सो हम कैसे लिखते हैं देखिए, इसको लिखने का भी तरीका है मैथ्स में, अच्छा तरीका है. क्या है देखिए, p by h is a function of theta. देखिए बहुत अच्छा तरीका है लिखने का. क्या है सर? p by h is function of theta. लिखने अच्छा लग रहा है. f of theta, function of theta. ऑफ का मतलब ब्रैकेट होता है ना मैथ्स में. यस सर. यस सर. बॉड मास होता है ना बॉड. ऑफ का मतलब ब्रैकेट. यस सर. सो f ऑफ यस सर फंक्शन ऑफ थीटा. ओके यस सर. b बाय यस सर फंक्शन ऑफ थीटा सर. यस यस सर. यस सर. b बाय bb फंक्शन ऑफ थीटा. फंक्शन ऑफ थीटा. अब आपको कंफ्यूजन शुरू हुआ. ये भी f ऑफ थीटा, ये भी f ऑफ थीटा, ये भी f ऑफ थीटा. अगर मैं लिखता हूं इन आपको लगेगा ये तीनों सेम होना चाहिए. यस सर. यस सर. यस सर. सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कुछ आप ही सजेस्ट कर लीजिए मैं क्या लिखूं. कुछ सर इसको अलग-अलग चीज से डिनोट करेंगे. साइन, कॉस, टैन, कोसेक, टैन, इसको f1 बोलता हूं, इसको f2 बोलता हूं, इसको f3 बोल सकता हूं. यस सर. यस सर. हां और अच्छा है. यस f1 f2 f3 मान लीजिए आपको सही से याद नहीं होगा ना. f1 f2 f3 आर वेरी जनरल नोटेशन. सर ये कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा स्पेशल लग रहा है ना. कुछ स्पेशल लग रहे हैं सर? यस सर. यस कॉन्सेप्ट को कुछ स्पेशल नाम देंगे. ओके सो p बाय h. यस सर. p बाय h जो रेशियो है उसका नाम है साइन. साइन थीटा. p बाय h जो फंक्शन है, ये जो f1 लिख रहा हूं ना, ये f1 का यस सर स्पेसिफिक नाम दिया गया है. क्या है? साइन. ओके साइन ऑफ थीटा. ओके पी बाय एच इज कॉल्ड साइन ऑफ. यस सर. डी बाय एच इज कॉल्ड कॉस ऑफ थीटा. ओके कॉस ऑफ थीटा. क्लियर. दिस पी बाय डी इज कॉल्ड टैन ऑफ थीटा. देखिए ये टैन ऑफ थीटा. देखिए ये स्टैंडर्ड नोटेशन से बेटा ये याद रखना पड़ेगा. ठीक है आप दुनिया में कहीं भी जाइए. यस सर. याद है मेरे जाइए यही नाम यूज होता है पी बाय एच का. कहीं भी जाइए साइन थीटा ही यूज होता है. ओके दिस आर स्टैंडर्ड नेम्स. यस सर. सिमिलर. एक्सक्यूज मी सर. हां बोलिए बेटा. सर हमेशा हम लोग तो साइन थीटा जो है थीटा को तो लोग ब्रैकेट में हमेशा नहीं रखते हैं सर. क्या है बेटा? इससे मतलब हम लोग कभी कभी साइन अच्छा अच्छा क्वेश्चन है वो. मैं जाऊंगा इसके बाद जाऊंगा. ठीक है. देखिए बहुत लोग आलसी होते हैं. ठीक है. सो मैथ्स क्यों इनवेंट सर? अब जैसे ए बी लिखते हैं तो वो भी तो मतलब होता है ए इनटू बी. क्यों यूज करते हैं मैथ्स में सिंबल्स? क्यों यूज करते हैं? ताकि नहीं लिखना पड़े, शॉर्टली हो जाए वो. क्योंकि हम आलसी हैं. ठीक है वो तो होता है ना. यस सर. एंड यस सर. एंड लेजीनेस इज गुड इन मैथ्स. यस सर. क्योंकि इफ यू आर लेजी यू थिंक अबाउट डूइंग थिंग्स शॉर्टली. यस सर. शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना. yes. अगर आप बहुत मेहनती yes, अगर आप बहुत मेहनती है शॉर्टकट्स कभी ढूंढेगा नहीं आप. यस सर. yes. थोड़ा सा आलसी yes, भी होना चाहिए सच दैट सर. लेकिन हम लोग के स्कूल में स्टेप मार्किंग है. क्या है बेटा? हम लोग के स्कूल में स्टेप मार्किंग है सर. लिखना पड़ेगा ही पूरा. नहीं है वहां आलसी बन जाओ. यहाँ स्टेप मार्किंग है वहाँ आलसी मत बनो. सर ये सारा टॉपिक तो जेई में हम लोग को तो वहाँ पे कोई स्टेप का मार्क नहीं होता है. वहाँ सिर्फ आंसर पे ही मार्क्स मिलता है. ठीक है. जहाँ भी स्टेप मार्किंग है सर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी. ठीक है. स्टेप मार्किंग जहाँ है वहाँ आलसी नहीं होना चाहिए. स्टेप मार्किंग जहाँ नहीं है वहाँ बहुत आलसी होना चाहिए. ओके यस सर. आलसी का मतलब क्रिएटिव होना चाहिए. आप छोटा छोटा लिखने प्रैक्टिस करना चाहिए. ओके होटल होल्डिंग. सो देखिए बेटा अब p by h को हम sin थीटा बोलते हैं, b by h को cos थीटा बोलते हैं, p by b को tan थीटा बोलते हैं. ये तीनों को हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बोलते हैं. तीनों बेसिक. यस सर. अब h by p इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ थीटा. समझ रहे? p by h का उल्टा है ना h by p. साइन थीटा का रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं कोसेकेंट थीटा और कोसेक थीटा. ओके
यस सर. सिमिलरली कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसको हम बोलते हैं सीकेंट थीटा और सेक थीटा. ओके सेक थीटा थीटा ठीक है. एंड टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल सर कॉट थीटा कॉट टैन थीटा. सो एज हैज बीन सजेस्टेड पहला मैं यहां ब्रैकेट लिखा हूं. बट आप बाद में क्या कर सकते हैं ब्रैकेट आप छोड़ सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ ब्रैकेट. सर h by b is equals to सर क्या लिखे सर क्या है बेटा सर h by b is equal to sec theta sec secant का शॉर्ट फॉर्म sec theta. ओके secant theta cosec theta sec theta cot theta. ओके यस सर यस sir theta cos theta tan theta. ओके क्या है sin cos tan cosec sec cot clear यस sir. सो sin cos tan sin क्या है p by h. ठीक है cos क्या है b by h tan क्या है p by b. ओके Yes, तो अभी से मैं ये भी बोल रहा हूँ इफ यू अंडरस्टैंड दैट दैट ब्रैकेट इज देयर. ठीक है आप ब्रैकेट लिखने का जरूरत नहीं है अगली बार से. यस बट एज्यूम दैट यस इट इज अ फंक्शन. साइन जो है वो फंक्शन का नाम है. साइन जो है वो फंक्शन का नाम है. कॉस भी फंक्शन का नाम है. टैन भी फंक्शन का नाम है. यस सर जब हम फंक्शंस को डिनोट करते हैं एफ ब्रैकेट में थीटा वैसा लिखते हैं. क्लियर. एंड यहां भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बट ये फंक्शन इतना फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं हर बार ब्रैकेट लिखने में हमको आलसी आ सकते हैं विच इज गुड. सो वी रिमूव द ब्रैकेट. ओके यस सर यस सर. सो आप एक बार देखा तो अगले पेज में एक बार अच्छे से लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके So if you yes, have okay, a right angle triangle, if this is theta, the opposite side is P, adjacent side is B, hypotenuse is H. Hypotenuse side is H. So you have sine theta, cos theta, and tan theta. Tan theta. Tan theta. And tan theta. Similarly, cosecant theta. secant theta sec theta cot theta. देखिए बेटा आप cosecant भी बोल सकते हैं cosec भी बोल सकते हैं. जैसे यस सर मैं यूजुअली cosecant बोलता हूं आपको फिजिक्स में प्रवीण सर cosec बोलते हैं. यस सर. सो आपको हां सर हम लोग को फिजिक्स में या ट्रिग्नोमेट्री तो उसमें cosec sec और cot ही लिखा हुआ है. ठीक है आपका चॉइस है कैसे प्रोनाउंस करना है आपको sin cos tan cosec sec cot. ओके और sin cos tan cosec secant and cot. ओके सो sin का डेफिनेशन इज p by h cos का डेफिनेशन b by h tan का डेफिनेशन p by b. ओके cosecant का डेफिनेशन h by p h by p by h by b b by p by b by p. सबको याद करने का अच्छा टेक्निक है. ठीक है वो अगले क्लास में हम करेंगे. ओके सर बाय सर थैंक यू सर. अभी हम इस क्लास में वी हैव जस्ट हैड द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या समझना है वो अगले क्लास में करेंगे. ओके सर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आएगा. ओके सर हां वो सारा आएगा जो भी एक्स्ट्रा है वो सब कुछ आएगा. क्लियर है. थैंक यू सर बाय. हां बेटा आपका थैंक यू सर बाय. थैंक यू सर बाय सर. आपको क्लास नहीं होगा. थैंक यू सर बाय. कुछ थैंक यू सर बाय. कब क्लास नहीं होगा सर. कब क्लास नहीं होगा. हो रहे कुछ स्कूल्स में एग्जाम्स हो रहे हैं. ठीक है हां फिर भी के बेटा कब नहीं होगा सर. पूरा वीक क्लास नहीं होगा. आपको मैसेज आएगा. आपको मैसेज आएगा. ठीक है ओके सर बाय सर. गुड नाइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू बाय सर. गुड नाइट सर. थैंक यू सर बाय सर. थैंक यू ओके बेटा गुड नाइट सबको. ओके सर बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर बाय सर. बाय सर. बाय थैंक यू सर.